दोस्तों, मैं लक्ष्मी। मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अप्पे के नाश्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों के लंच या टिफिन में भी दे सकते हैं और ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बाउल लिए हैं, इसी बाउल में हम सारे चीज़ को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं एक कटोरी रवा डाल दी हूँ। अब इसमें हम आधा कटोरी दही डाल रहे हैं। तो मैं इस कटोरी से मेजरमेंट कर रही हूँ और अब इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जी, तो जो भी मेरे पास उपलब्ध था वही मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्च हैं ग्रेट किया हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज, गाजर और गोभी और हरा धनिया, और यहाँ पर एक टमाटर भी मैं ग्रेट करके ली हूँ। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम इस बाउल में डाल देते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जी उपलब्ध हो आप उसी से बनाइए। तो ये सब तो ठंडी के सीजन में सभी के घरों में उपलब्ध होता है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और खाई तो बहुत बार हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और चलिए मैं टमाटर को भी इसी में डाल देती हूँ और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें आप चाहे तो मसाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आधा कटोरी में पानी डाल रही हूँ। तो हम घोल को ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे ना ही गाढ़ा। तो अब इसमें हम पानी डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें मैं हींग डाल रही हूँ चुटकी भर, ये हाजमे के लिए बहुत टेस्ट अच्छा होता है। अब इसमें मैं थोड़े से चाट मसाला डाल दी हूँ। अब इसमें हम थोड़े से गरम मसाला डालेंगे, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और एक थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है क्योंकि सूजी फूलता है, तो इसलिए हमने पानी डाल दिया है। तो देख सकते हैं अब, तो चलिए इसे हम ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों, पूरा 15 मिनट हो गया है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, एकदम फूल के गाढ़ा हो गया है। तो एकदम परफेक्ट हमारा घोल बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें ना ही हमने इनो डाला है, ना ही सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर, एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो इधर देखिए, गैस चूल्हे पर हमने अप्पे मेकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब सांचे में थोड़ा थोड़ा हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो तड़के के रूप में यहाँ पर इसमें जीरा और राई भी डाल सकते हैं। सांचों में अच्छे से हम बैटर जो है उसको हम डाल देंगे, तरीके से सारे सांचे में हम भर देंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को 3 मिनट से कम ना भी देखें, अगर टाइम है तो फुल देखें। चलिए हम इसी तरीके से ऐसे ही डाल देते हैं और इसको हम भर देंगे। तो दोस्तों, आज को हम स्लो रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। तो ये 2 मिनट हो गया है, आइए हम चेक करते हैं। देखिए, ऊपर से इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे सभी अप्पे के ऊपर। तो एक एक दो हम सभी के ऊपर हम डाल देते हैं और इसे हम पलट देते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से अंदर की तरफ पक गया है। अब ये इसे पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेते हैं। चेक करेंगे, तो आइए 2 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। तो ये अच्छे से पक गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये देखिए। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आज हमारे अप्पे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में